जुलाना में सेंस महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसको लेकर सेंस समाज के लोगों द्वारा कस्बे की पंजाबी धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह हवन यज्ञ किया और उसके बाद महाराजा सेन पर विचार डालते हुए आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचारों में महाराजा सेन के बारे में अवगत कराया। बताया कि सेन गुरुजी एक राजा के यहाँ डॉक्टरी का काम करते थे। वह कृष्ण के परम भगत थे। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यह व्यक्ति क्यों इतना चूर हो गए कि राजा को यहाँ आना भूल गए, क्योंकि सेन महाराज कृष्ण भगवान के अनंत भगत थे और भक्ति में लीन होने के कारण वे राजा के यहाँ जाना भूल गए। लेकिन जब सेन भगत को यह याद आया कि वो राजा के यहाँ जाना है, तो ऐसे में तब कृष्ण भगवान ने चमत्कार किया और वह सेन भगत की जगह खुद राजा के यहाँ पहुँच गए। और राजा के यहाँ जाने से डरते डरते राजा के पास पहुँचा। सेन ने कहा, महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मैं समय पर नहीं आया। लेकिन उसी समय महाराज समझ गए कि यह भगत है, तो उसने कहा था, आप तो आ चुके हो। एहसास हुआ कि सारा कार्य कृष्ण भगवान द्वारा कराया गया है। ऐसे में उनकी भक्ति को आज भी पूजा जाता है और सेन भगत लगातार कई वर्षों से जुलाना में भी सेन की महाराज द्वारा किए गए प्रयासों को अवगत कराते हैं और सेन समाज के लोग जयंती के अवसर पर इकट्ठा होकर महाराज की भक्ति में लीन होते हैं। इस दौरान हवन यज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। कृष्ण महाराज जी ने ये सोचा कि ये तो तेरी भक्ति में लीन हो गया, तो उसने क्या किया कि देखा तो टाइम हो गया वो डरदर दास जैसे मेरा है राजा का, उसका तो उस टाइम में आज भी वही है। तो वह दौड़ा दौड़ा गया जी, तो वह जो द्वारपाल थे गौर थे वह बोले, भाई सैन जी आप कैसे बात रहे हो? बोले भाई मैं लेट हो गया, राजा की दुआई भी देनी थी और भी, तो मेरे साथ तो ऐसे बढ़िया। उन्होंने बोला भाई तो ईद तो गया था, बोला ना जी। तो उस टाइम में राजा ने देखा, राजा बोला भाई कैसे? बोला जी मैं ऐसे ऐसे, बोला तो आ लिया
तो आने के बाद उसका वो है ज्ञान हो गया उस राजा का रानी का, तो उस टाइम में ये फोटो है जो राजा ये सैन जी गुरु जी बिठाएगा अपनी गद्दी पर। सैन गुरु जी को बिठाने के बाद राजा ने रानी ने संन्यास ले लिया, तो ये है जी। और ये हमारी नारायणी माता है जो आज भी राजस्थान के अंदर इनके चरणों में पानी गंगा जल है जी। और गंगा जल भी ऐसा कि जो और ये सती हुई जब वहाँ पानी नहीं था, उनसे कह दिया ग्वालियर से भाई ये पानी है नहीं, इस लाकड़ी को लेकर चल जाना, जहाँ तक भी जाओगे आपको पानी मिलेगा। तो उन्हें फिर विश्वास हो गया, भाई देख तो लिया। देखने के बाद 3 किलोमीटर तक वो चला जो तो जल तो देखा वो वही रुक गया। आज भी वो पानी भी और यहाँ जो मेला लगा है नारायणी माता का, वहाँ 36 बिरादरी वहाँ दर्शन करें और मेला है सब ये हो जाते हैं जी। आज हमारे हमारे गुरु जी श्री सैन जी महाराज जी की आज जयंती है। हम सभी मिलजुल कर इस पर्व को हर साल बलिभांति हर साल बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, और आज हमें बहुत खुशी है, हमारा पूरा समाज हमारे साथ है, और हम आज हवन और भंडारे का आयोजन किया हुआ है। सभी सैन भगत हुए हमारे सभी एरिया के सभी दुकानदार और सब यहाँ पर आज प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचे हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचने पर, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रति वर्ष हमारा यह कार्यक्रम इसी तरह सफल रहे। और सभी सैन भक्तों से मेरी प्रार्थना है, जो भी अभी तक करते हैं तो जल्द से जल्द आकर हवन में आहुति डालें और प्रसाद ग्रहण करें। आज ये संत से जो सैन समाज है उनकी जयंती है। एक भगत हुए हैं सैन भगत, और वो कृष्ण महाराज के भगत हुए हैं, यानी कि कृष्ण आर्य समाजी था तो वो भी आर्य समाजी थे। और ये जो ये नाई की उपाधि इनको दी है, अरे नाई है ये, नाई नहीं है ये डॉक्टर है। ये जब कोई बीमार हो जाता था या कोई खुजली हो जाती थी या कोई त्वचा पे कोई दिक्कत हो जाती थी तो बाढ़ काट के मलहम लगाते, तो ये डॉक्टर थे। और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और जनरल कैटेगरी में आते हैं ये। जो राजनीतिक लोगों ने इनको मतलब ओबीसी ए में डाल दिया या उसमें, ये गलत है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये तो बहादुर कौम है, और बहुत ही अच्छी कौम है। और मैं तो ये कहता हूँ हर 6 महीनों में इसको याद करें। और ऐसे भगत वो एक सैन समाज के नहीं है, ये पूरे समाज के भगत थे। ये सारा समाज इसको मानता है, न कि अकेला सैन समाज। हम आज इस सैन समाज को पूरा धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। अब आज के दिन ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और इनने चिंतन मनन किया समाज के बारे में, और मैं इनको पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। आपका शुभ नाम जी? शुभ नाम मेरा वीरेंद्र आर्य, वेद प्रचार सभा कोषाध्यक्ष।